दोस्तों, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उससे ये पता चल रहा है कि किसानों का असली दुश्मन जो है वो जियो है और अदानी ग्रुप है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं ब्रजेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ लाइफ इजी चैनल पे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किसानों ने जो इनका किसान आंदोलन चल रहा है, जो 3 कृषि कानून है उसके खिलाफ, तो उसमें किसानों ने आह्वान किया कि भाई आप जियो के सिम कार्ड को यूज़ मत करिए। और अदानी और अंबानी की बुराई की खूब इन्होंने, जितने भी किसान नेता आते हैं उनकी जबान पर सिर्फ अदानी और अंबानी का नाम रहता है। किसानों ने जियो के साथ साथ अदानी ग्रुप के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको बायकॉट करने की बात कही, खासकर जो फॉर्च्यून ऑयल है उसको बायकॉट करने की बात कही। और अभी हम एक दो दिन से देख रहे हैं कि पंजाब में एक अलग ही मुहिम चली हुई है किसानों की। जो पंजाबी किसान हैं, जो पंजाब के किसान हैं, वो जियो के टावर पर चढ़ के जियो के टावर को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तार काट रहे हैं और उसको तोड़ रहे हैं। अब दोस्तों, अगर हम देखें कि इन सब हरकतों से आम जनता को क्या नुकसान हो रहा है, अगर किसी मोबाइल टावर को कोई नुकसान होता है तो एक मोबाइल टावर से सारी नेटवर्क की सर्विसेज जुड़ी होती है, एक मोबाइल जुड़ा हुआ होता है। उस मोबाइल के थ्रू आजकल कई चीज़ें होती हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, जैसा अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चों की पूरी पढ़ाई अभी ऑनलाइन चल रही है। दूसरा, बैंकिंग सिस्टम और बाकी डेली रूटीन की चीज़ें एक मोबाइल से जुड़ी हुई होती हैं। अभी जैसा पंजाब का एक सर्वे कि वहाँ पर 9000 मोबाइल टावर्स हैं, उसमें से किसानों ने इस आंदोलन के तहत 1500 टावर्स को नुकसान पहुंचाया है, तोड़ दिया है। उसके बाद जो वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब हैं, उन्होंने पब्लिक को बोला है कि भाई चाहे निजी संपत्ति हो या सरकार की कोई संपत्ति हो, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं है। और यहाँ पर योगी जी, जो यूपी के योगी जी हैं, उनके जैसा एक एक्शन चाहिए कि भाई अगर आप कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हो तो आपके अगेंस्ट एक एक्शन लिया जाएगा। और इससे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है। लेकिन किसान अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो पंजाब में तोड़फोड़ कर रहे हैं और खासकर जियो को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हालांकि इन सब चीज़ों पे अभी जियो ने कुछ कहा नहीं है। इसी बीच किसान नेता दर्शन पाल जी ने कहा कि भाई आप टावर्स को नुकसान मत पहुंचाइए, आप जियो की सिम्स मत खरीदिए, उनका नेटवर्क मत यूज़ करिए, वो अपने आप जियो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये बात भी सही है भाई, अगर आपको किसी को बायकॉट करना है आप उसको फिजिकल नुकसान मत पहुँचाइए, आप उसकी सर्विसेज बंद कर दीजिए अगर आपको पसंद नहीं है। तो दोस्तों, अगर किसानों को आंदोलन करना है शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये कहा है कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आम टैक्स पेयर्स जो आप टैक्स पे करते हैं उसके द्वारा ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है, तो कृपया इसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो किसानों से उम्मीद है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना मैसेज सरकार को पहुंचाएंगे और सरकार बात भी कर रही है। और उम्मीद करते हैं कि किसानों के जो भी मुद्दे हैं इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द निकले। सर्दियाँ बहुत हो रही हैं, हम न्यूज़ बुलेटिन में देखते हैं कि किसान सर्दियों में सड़क पर लेटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें दिल को बहुत दुखी करती हैं कि जो हमारे अन्नदाता हैं वो इस सिचुएशन में रोड पे आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि इसमें एलिगेशन ये भी है कि भाई कुछ तो असली किसान है इसमें और कुछ बहकाए हुए और कुछ बिचौलिए जो इसको प्रमोट कर रहे हैं या जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो इसमें घुसे हुए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।